जैन साहब स्वागत है आपका। ये बताइए कि मार्केट के मूड माहौल में मजा है ना कि अच्छे शेयर सस्ते दाम में खरीदने का मौका बनेगा? बिल्कुल, अच्छे दाम पे खरीदने का मौका मिलेगा और कई बार हो सकता है कि चल भी जाए, बोलने पे चलते हैं तो भी कोई डरे नहीं। मुझे लगता है कि फंडामेंटली मैंने बहुत अच्छा स्टॉक और जो जून के क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल के ला रहे उन्हीं को लाए हैं। बाकी वाकई में अनिल जी, मेरा मूड था दो स्टॉक देने का, मगर मार्केट को देखकर मैंने तैयारी दो स्टॉक की थी, बड़ा मुझे डर लगने लग गया है, तो मैं थोड़ा सा एक बार वेट करूंगा। मुझे लगता है कि फिर और हो सकता है कि मंडे को और बेहतरीन मौके मिलेंगे नीचे के लेवल पे। बट आपने बहुत सही पकड़ा, मैं एक्चुअली डरा हुआ हूं क्योंकि देखिए लोग बाग ऊपर के लेवल पे फंस जाते तो अच्छा नहीं लगेगा। बट यस, नाम को तो नोट करना ही है और आज का जो स्टॉक अगर ऊपर भी पगड़ीज में आए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल डरिए मत और साथ ही मौके बचा के भी रखिए। बहुत मौके मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, तो बताइए आज का स्टॉक आप सबसे पहले बता दें सर। जी बिल्कुल अनिल जी, असाही सांगवान कलर्स लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है मुझे इनके प्रमोटर्स बहुत अच्छे लगे। प्रमोटर्स की अगर मैं बढ़ाई की बात करूं, क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो बहुत क्रेडिबिलिटी आती है। और असाही सांगवान के फंडामेंटल्स की बात सेकंड उसमें करेंगे और बहुत मजबूत फंडामेंटल्स और बहुत बढ़िया जून क्वार्टर गया। और जो चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मिसेस पारू एम जयकृष्णा, उन वो फर्स्ट इलेक्टेड लेडी है एज प्रेसिडेंट ऑफ जीसीसीआई गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड। गुजरात एक नॉर्मल स्टेट नहीं है सर, गुजरात एक बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है और वहां पे अगर आप जीसीसीआई के फर्स्ट इलेक्टेड, वो भी विमेन प्रेसिडेंट, तो बहुत बड़ी बात है, इलेक्टेड लेडी थी। और फिर उसके बाद शी हैज बीन डायरेक्टर इन टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड, फिर आप सिडवी के डायरेक्टर रहे हुए हैं, फिर अक्षर कैम जो कि मैंने जैन साहब के जेम्स में फर्स्ट वीक सीरीज में मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था और जो टारगेट्स अचीव कर चुका है, तो वहां से उनकी भी वो डायरेक्टर है। एंड ओवरऑल बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है और फैमिली पूरी इन्वॉल्व है बहुत अच्छे से। और बहुत बढ़िया जो बात है, अब मैं आ जाता हूं उस पे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कलर पिगमेंट्स एंड डेरिवेटिव्स, और इस सेगमेंट से मैं कुछ कंपनियां पिछले कुछ दिनों में रेकमेंड भी किया हूं क्योंकि जून का क्वार्टर इन कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया गया और केमिकल्स और यह सब फ्लेवर में है। और दूसरी बात है, कंपनी ने डेट्स को रिड्यूस किया है पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में कंपनी ने डेट्स को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया, सिर्फ 16 करोड़ का डेट है, 250 करोड़ के लगभग की कंपनी होगी, 40-50 करोड़ की, 9 के पी मल्टीपल पे, 9-10 के पी मल्टीपल पे। और डिविडेंड डील्ड भी अच्छा है 1.5% के, 1.6% के लगभग, और पिछले टीटीएम बेसिस पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त दी है, 44% की दी है। और अब जून का जो क्वार्टर था इनका, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया, दैट इज 9.54 करोड़ अगेन जून 19 जो कि 5.38 करोड़ है। और लास्ट तीन साल में कंपनी का जो स्टॉक मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत बड़ा कोई परफॉर्मेंस नहीं था, नेगेटिव ही मानूंगा मैं। और ओपीएम बेसिस पे अगर आप देखें तो वहां पे भी बहुत जबरदस्त पिछले दो क्वार्टर से इनके मार्जिन बढ़े करीब 11% के लगभग। और मुझे जो बढ़िया लगा है कि जो फंडामेंटल्स के साथ साथ जो प्राइस में इंक्रीमेंट होनी थी वो जब हुई नहीं है, और ऐसे अगर क्रेडिबल प्रमोटर्स है और जो इतने क्वालिफाइड प्रमोटर्स है और इस इंडस्ट्री में काफी नामचीने हैं, और कंपनी के जो रिलेशनशिप्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जो कि वर्ल्ड की जो बड़ी प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं उनके साथ सालों से ये काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पर निवेश करना चाहिए। मेरा पहला टारगेट होगा 240 का और दूसरा टारगेट होगा 260 का।